सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए। 50 वर्ष तक कांग्रेस के सेवा किए, विभिन्न पदों पर रहे। वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी थे और जो भी सरकार बनी, राजीव गांधी की सरकार बनी, पीवी नरसिंह राव की सरकार बनी, मनमोहन सिंह की सरकार बनी, सभी में मंत्री थे और कांग्रेस के मुख्य नेता में गिनती था। राज्यसभा में वो सदन के नेता भी रहे हैं। कुछ दिन पहले तक राज्यसभा सदस्य थे, अभी कुछ दिन पहले ही कोई कमेटी में उनको बनाया गया था, जिस उस समय भी उन्होंने रिजाइन दे दिया। रिजाइन देने के बाद उन्होंने आरोप लगाया है कि AICC में कोई प्रजातांत्रिक बात नहीं रही और राहुल गांधी मनमाना करते हैं, सीनियर नेताओं की अवहेलना करते हैं और गार्ड यानी अंगरक्षक और PA की बात पर काम करते हैं, कोई सीनियर नेता की बात नहीं सुनते हैं, इसीलिए मैं रिजाइन दे रहा हूं और सारे लोग इसीलिए रिजाइन दिए हैं। गुलाम नबी आज़ाद, जैसा कि मीडिया सूत्र बता रहा है कि वो कोई दूसरी पार्टी बनाएंगे, अभी जम्मू कश्मीर चुनाव है, उनके रिजाइन देने के बाद में 5 कांग्रेस के विधायक भी, जो पूर्व विधायक हैं, वो भी रिजाइन कांग्रेस से दिए हैं। देखिए आगे गुलाम नबी आज़ाद क्या करते हैं।